का सेशन सवर हुआ, तो आप लोग थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए, कहाँ से आए हैं, क्या बैकग्राउंड है और क्लासेस आपको कैसी लगी, ताकि जो फ्यूचर स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको मैसेज है। मैं एक्चुअली यहाँ से मैं हड़पसर से ही हूँ और मैंने काफी मतलब पहले कोर्स किए थे, लेकिन उसमें जो आपने सिखाया है मुझे टेक्निकल चार्ट्स या बेसिक फंडामेंटल्स या स्टॉक्स कौन सा चूज करना है, तो ये काफी जानकारी मुझे आपके तरफ से मिली है और इससे मुझे काफी फायदा होने वाला है कि फ्यूचर में मैं ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो मुझे 100% इसका फायदा होने वाला है। तो मैं मतलब खुश हूँ आपके पास से इतना जानकारी मिला। जो डे वन में जो जिस एक्सपेक्टेशन आप आए थे मिले थे और हमने आपको कंप्यूटर दिया था कि आप सबसे सीख के जाएंगे, तो आपको स्टैंड कर रहा हूँ, मतलब अच्छा मुझे इन्फॉर्मेशन मिली आपसे, जितना मैं सोचा था उससे ज्यादा ही मुझे मिला है। फ्यूचर स्टूडेंट को एक लाइन मैसेज देने वाले हैं, क्या आपको एक चीज अच्छा लगा या उनको क्या इस क्लास के बारे में, मतलब जो आपको अगर स्टॉक मार्केट में फ्यूचर करना है, प्रॉफिट करना है, तो जगदीश मेरा नाम तुषार है, मैं एक्चुअली आर्मी में हूँ और बैरकपुर में पोस्टेड हूँ। मैंने काफी सारा सर्च मारा था, मैंने कई सारे क्लासेस के लिए सर्च मारा, किरण ज्यादा हुए सब, बट मैंने जब उनके वर्कशॉप डेज देखे तो मेरे को वो पसंद नहीं आया और गूगल रिव्यूज के अकॉर्डिंग मैंने जगदीश सर को फॉलो किया जो कि बहुत अच्छे रिव्यूज हैं। आपने कहाँ से फॉलो किया? मैंने कोरा से किया है, कोरा में मैंने देखा था, कलकत्ता में देखा, रहने वाला मैं हड़पसर का हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे क्लासेस ज्वाइन किया है। मैं पिछले 15-16 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, बट आज तक मैंने कोई भी क्लासेस ज्वाइन नहीं किया था, बट टाइम के अकॉर्डिंग जैसे जैसे मैंने झटके लिए हैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए मैंने एक अच्छी क्लास जुटी, जिसमें मुझे बहुत अच्छे लेसन मिले और टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में अच्छे से बताया गया, जो शायद मैं फॉलो करके बहुत अच्छे से ट्रेडिंग कर पाऊं, मुझे अब ऐसा कॉन्फिडेंट आ गया है। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो आप एक्चुअल फीडबैक देंगे? हाँ, डेफिनेटली मैं फीडबैक दूंगा कि मैं बहुत अच्छे प्रॉफिट में हूँ और क्लासेस भी आप प्रॉफिट में रहे हैं। हाँ, प्रॉफिट में रहेगी, इतना अच्छा पढ़ाएंगे तो डेफिनेटली रहेगी क्लासेस भी आपको। और मेरा कंक्लूजन ये है कि जो पुराने बंदे हैं जिनको इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, तो डेफिनेटली क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए, वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकेंगे। और जो नए हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, जो नए स्टॉक मार्केट में नए शुरुआत करना चाहते हैं, तो मैं एक सजेशन दूंगा नए वालों के लिए कि आने से पहले 2 दिन अपनी तरफ से स्टडी करके आए, ताकि यहाँ पे इजीली समझ में आए। तो बस यही मेरा सजेशन है, बाकी नए वालों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और पुराने वालों को अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। जो आपका डिसीजन रहा वहां से आपने लिया, तो ये मेरा सक्सेसफुल रहा और मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, और लास्ट में टेक्निकल एनालिसिस सीखा है उससे कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो अब मैं पहले ब्लाइंडली ट्रेड लेता था, अब मैं चार्ट पे देख के ट्रेड लिया करूंगा, तो शायद नुकसान कम होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा, कन्विक्शन बिल्डअप हो जाएगा, तो फिर आपको ट्रेड लेने में आपको। मैं भी हड़पसर से ही हूँ और 8-10 क्लास में घूम चुका हूँ, ज्वाइन ही किया था बट उधर में इतना कुछ ज्ञान नहीं मिला है और लॉसेस भी हुए, बट इधर आने के बाद में ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे हम मेरी जो एंट्री जो हो रही थी, गलत एंट्री जो कर रहा था, गलत स्टॉक में जो चुन रहा था, वो अभी नहीं होंगी और डेफिनेटली प्रॉफिट होंगे। अब जो भी नए लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर इंट्राडे कर रहे हैं या होल्डिंग कर रहे हैं, उनको यही बोलूंगा कि जगदीश स्टॉक मार्केट क्लासेस ज्वाइन जरूर कीजिए, क्योंकि इसमें आपको बेसिक से भी बेसिक से बहुत कुछ जानकारी मिलेंगी और आपके लॉसेस कम होंगे, बहुत कम होंगे और आप प्रॉफिट मेकिंग यहाँ से कर पाएंगे। तो जब आप क्लास ज्वाइन करने वाले थे, हमारी कन्वर्सेशन हुई थी कि आपने बोला था मुझे टेक्निकल एनालिसिस आता है, तो वो जो आता था अभी आपने सीखा है, उसमें कुछ आपको डिफरेंस? बहुत जमीन आसमान। उस टाइम में जो टेक्निकल एनालिसिस किया था मैंने, तो उसमें तो काफी सारे क्राउड काफी था और कुछ समझ में नहीं आ रहा था जो वो सिखा रहे थे, और बेसिक यानी उसका टाइम नहीं देते थे वो सीखने के लिए। यहाँ पे आके आपके पास में हम एक एक डाउट क्लियर कर सकते हैं बैठ के, आपको पूछे जब तक डाउट क्लियर नहीं होता तब तक आप सिखाते हैं, और पूरा डाउट क्लियर होने के बाद में आगे बढ़ते हैं।
तो उसका मुझे यहाँ पे बहुत बेनिफिट होगा। एक लाइन में आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ फ्यूचर स्टोन से क्लास के बाद में, जो अच्छा लगा आपको। जो भी बिगनर्स है उनको तो मैं डेफिनेटली कहूंगा कि वो डायरेक्ट ट्रेडिंग ना करें, वो जरूर ज्वाइन करें। जबकि स्टॉक मार्केट का तो इतना नॉलेज का प्राइस भी जो है बहुत बहुत ही कम है, सबसे बड़ी बात। हम जो 5 दिन में जिस पेज से हम सिखाते हैं, तो हमारा तो मोटो ये है बिगनर को वहां तक लेके आना एडवांस तक। तो ये जो हम जर्नी है जिस तरह से जिस पेज में सिखाते हैं बताते हैं, तो आपको लगता है कि बिगनर भी कैचअप कर पाएंगे? कर पाएंगे, वो भी कर पाएंगे। हम जो टच करते हैं बेसिक से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे करके हम फाउंडेशन बनाते हैं और टेक्निकल एंटर करते हैं बिगनर के लिए, क्योंकि 3 दिन स्टार्टिंग के मेन है, उसके बाद में 2 दिन में वो पूरा फिर एडवांस हो जाएगा, क्योंकि उसको वो समझना जरूरी है। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, जितनी हमने बातें बोली हैं ये सर ने हमें नहीं सिखाई है, एक्चुअली हम अपने दिल से बोल रहे हैं, बिकॉज इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आप क्या सीख रहे हैं। और जो इन्होंने हमारे सब ट्रेडिंग में करेक्शन किए ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हमारे फ्यूचर के लिए है। और नए लोगों के लिए मैं बोलना चाहता हूँ, कोई भी क्लासेस ज्वाइन करो मना नहीं है, बट वो करो जो समझाए। सिर्फ ब्लैकबोर्ड को देख के बुक में लिख के कोई फायदा नहीं है इस चीज का। सामने से अगर हर चीज को अगर डाउट क्लियर करके या समझाए तो वो बेस्ट है, इसलिए ये क्लासेस रिकमेंड करते हैं। तो हम हमारे क्लास में बोलते जा रहे हैं कि ये एक कोई ये डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक जर्नी है। जर्नी तो जो आपको जो है ना एक एक लेवल आपको बढ़ाते जाएगा। आप जैसे एक साल फिर से मेरे से मिलेंगे तो उसमें कुछ हो सकता है कुछ और एडिशन मिल जाए, क्योंकि वी ऑल लर्न कीप ऑन लर्निंग, ठीक है। तो एक वैल्यू एडिशन आपको देगा, हम एक नेटवर्क बनाएंगे जिसमें हम और आगे ग्रो करेंगे। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग वैल्यूएबल फीडबैक। बी इन टच, कहीं रहें कलकत्ता में रहें कहीं रहें।